चांसलर्स, डायरेक्टर्स और इसी प्रकार हमारे जो CMOs हैं वो सब उपस्थित हुए। प्राइवेट डॉक्टर्स के नाते, इस नाते से हमने IMA के प्रेसिडेंट सब बुलाए हुए थे, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहन वो भी हमारे बीच में थे, आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बलदेव धीमान उनसे भी हमारी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर आज पूरे मेडिकल सिस्टम का, हेल्थ सर्विसेज का एक मूल्यांकन हुआ, सब लोगों ने अपने सुझाव दिए और अंत में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चाक चौबंद चल रही हैं। किसी प्रकार के कोई सुझाव जो आए हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। अभी इस 20 मिनट के समय में मैं सबसे पहले हमारे सेक्रेटरी हेल्थ श्री राजीव अरोड़ा जी से कहूँगा कि वो संक्षेप में आज की इस बातचीत का विषय हमारे सामने रखेंगे। धन्यवाद सर। आज जो आपके द्वारा ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें जो सभी सिविल सर्जन्स, डिस्ट्रिक्ट IMA एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर्स, जो सब लोग यहाँ पर आए हुए थे और जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए थे, बहुत ही फ्रूटफुल ये चर्चा हमारी रही है। एंड जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सभी जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो हाई स्पिरिट्स में हैं और बहुत ही एफर्ट्स जो हैं जो उनके द्वारा वो की जा रही हैं। मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले डिस्कस हो चुकी हैं, तो मैं बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो भारत सरकार की लेटेस्ट हिदायतें आई हैं कि उसमें नेक्स्ट हमें 4-5 दिन के अंदर जो PCR बेस्ड टेस्टिंग है उसको हमें किस प्रकार से बहुत सारे सैंपल्स जो हैं वो इंक्रीज करने हैं, तो उसका सारा हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन आई हैं उसको एनालाइज करने के बाद अब ये डिसाइड किया है कि जो भी नॉन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में उनमें हम 125 सैंपल्स पर डिस्ट्रिक्ट करेंगे और जो हमारे प्राइमरली जो ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नू, यहाँ पर हम 450 सैंपल्स जो हैं वो नेक्स्ट 4-5 दिनों में जो हैं वो यहाँ पर करेंगे। ये सारी गाइडलाइन, सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं और किस प्रकार से इसका सैम्पलिंग जो एक आपको कलेक्ट करना है, किस प्रकार से रेंडमाइज करके यहाँ पर हमने सैंपल्स देने हैं, क्या उनकी गाइडलाइंस हैं, सारी केसेस को, IL केसेस को उनको किस प्रकार से लेना है, ये सारी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अभी थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल दी जाएंगी और नेक्स्ट 4-5 दिनों में ये पूरी की पूरी स्टेट में एक दोबारा से सैम्पलिंग की मुहिम है वो चलाई जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि अभी तक परसों जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आई थी उसके मुताबिक पूरे देश में 1,00,000 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं और 14 अप्रैल तक वो 2.5 लाख सैंपल्स टोटल करना चाहते हैं। तो हमने उसी एनालॉजी के ऊपर परसों तक हमारे 2500 सैंपल थे तो हम उसको 1.5 टाइम और करके टोटल 6500 सैंपल जो हैं वो 14 से पहले पहले उसको हम करना चाहेंगे। सेकंड, आप लोग ये भी देख रहे हैं कि हर जगह इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसका भी टाइम है जो आ गया है। हमने HMSCL के माध्यम से टेंडर जो किया हुआ है उसमें जल्दी ही हमारी रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी आ जाएंगी, लेकिन रैपिड डायग्नोस्टिक किट है उसका जो इस्तेमाल है वो हम बेसिकली हॉटस्पॉट्स में करेंगे। तो हॉटस्पॉट्स आप जानते हैं कि जो आज की डेफिनेशन के मुताबिक जहां पर भी 15 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं उनको हॉटस्पॉट कैटेगरी में लेते हैं और वहां पर हम जो रैंडम सैंपल रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसको यूज करेंगे। उसके लिए भी एक पूरा प्रोटोकॉल जो हमारे PGI रोहतक मेडिकल कॉलेज के जो टीम है, जो एक हमने वहाँ कमेटी बनाई हुई है, उनके द्वारा एक डिटेल्ड प्रोटोकॉल हमारे DGHS ऑफिस के डॉक्टर्स के साथ मिलकर बनाया गया है, वो भी हम इसके साथ आपको सर्कुलेट करेंगे और नेक्स्ट स्टेज हमारी होगी कि इसके साथ साथ जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो हम दोबारा से उसको भी इंट्रोड्यूस करके उसका हम लार्ज स्केल जो यूसेज है वो हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी आज शाम से सैंपलिंग शुरू हो जाएगी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिसार में जो ICR का इंस्टीट्यूट है, ऑल्दो वहाँ मशीन भी लग गई है और किट्स भी आ गई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी समय लग रहा है, 1-2 दिन में हम उस लेबोरेटरी को भी वहाँ पर चालू कर देंगे और पंचकुला में भी जो हमारी लेबोरेटरी है वो इस वीक के एंड तक उसको कोशिश करेंगे उसको शुरू कर दें। तो काफ़ी सारी कैपेसिटी हमने पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्रिएट की है और बाकी जैसा आप जानते हैं कि 2 लैब्स के साथ MOU HMSCL का हो चुका है और वहाँ पर भी हमारे पास जो सैंपल्स को टेस्ट करने की कैपेसिटी क्रिएट हो गई है। मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि जो अगर हम 29 और 30 मार्च तक देखें तो हरियाणा के करीब 28 केसेस थे जो पॉजिटिव थे और 30 और 31 मार्च से लेके और अब तक करीब 153 की हम फिगर पे पहुंचे हैं।
लेकिन इस 153 में अगर हम ये देखें कि जो बहुत सारे लोग जो निजामुद्दीन से आए थे और उनसे कनेक्टेड थे, तो वो ऑलमोस्ट 107 केसेस आ जाते हैं, और अगर डिस्चार्ज केसेस को उसमें से निकाल दें तो जो आज के दिन भी जो हरियाणा में केसेस का जो पॉजिटिव केसेस का नंबर है वही ऑलमोस्ट 28-29 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जो नया चैलेंज हमारे पास आया था, मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि सभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सबके साथ मिलके सिविल सर्जन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेनमेंट पॉलिसी जो है वो फॉलो की है, और उसका नतीजा ये हुआ कि कंटेनमेंट ऑर्डर नू के 36 विलेजेस में, पलवल के 9 विलेजेस में, और सोनीपत के 3 विलेजेस और कॉलोनीज में, करनाल के भी 3 विलेजेस इंक्लूडिंग बफर जोन, और 13 कंटेनमेंट जोन फरीदाबाद में, 1 चरखी दादरी में, 3 पंचकुला में। तो ये सारे ऑर्डर्स जो हैं निकाल के काफी उसको स्ट्रांगली डील किया जा रहा है, और मुझे ये लगता है कि 1 या 2 दिन तक और जो हमारे जो सैंपल्स इससे कनेक्टेड हैं उसमें और पॉजिटिव आ सकते हैं, उसके बाद हम शायद फिर से कोशिश करेंगे अपना जो ग्राफ है उसको स्टेबलाइज करने की, और दोबारा से जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ठीक करके वापस घर भेजेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि जो धन्यवाद, और आप जो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद राजीव जी। अब हमारे बीच में हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, पूरी चर्चा को इन्होंने भी सुना है, और चूंकि इनकी देखरेख में बहुत सारे इस ऑपरेशन को, एक प्रकार का ये एक बड़ा ऑपरेशन है पूरे हरियाणा में, सैकड़ों की संख्या में जो लोगों का पॉजिटिव, लोगों का जिनका इलाज चल रहा है, और सारी देखरेख ये कर रहे हैं, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे होम डिपार्टमेंट पुलिस के नाते हो, या अर्बन लोकल बॉडीज़ के नाते हो, सब चीज़ें बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। आज हमारे सामने जितने भी मेडिकल एजुकेशन अथवा हेल्थ सर्विसेज के नाते डॉक्टर्स बैठे हैं, और IMA के भी प्रेजिडेंट बैठे हैं, आप सबके माध्यम से जनता तक भी पूरा अपना संदेश, डॉक्टर श्री अनिल विज जी। मित्रों, दिस इज वॉर टाइम, और योद्धा की पर्सनैलिटी का निखार हमेशा युद्ध काल में ही आता है, और जिस प्रकार से, जिस दिन से इस दुश्मन ने, सूक्ष्म दुश्मन ने सारे विश्व में या सारे देश में या हमारे प्रदेश में प्रहार किया है, हमारे जो योद्धा हैं, जो वार हीरोज हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें सभी जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और जो बैक डोर पर प्लानिंग ग्रुप है वो भी रात को आराम से सो नहीं रहा है, उनको भी 24 घंटे चिंता रहती है कि हमारी प्लानिंग्स जो हैं वे एग्जीक्यूट्स हों, हमारे योद्धाओं को जो जो सामान चाहिए वो मुहैया हो, और हम इस लड़ाई को जीतें। शुरू में कुछ मुश्किलें आई थी, जो प्रोटेक्टिव सामान है उसको मुहैया कराने में, लेकिन दिन रात मेहनत करके आज हम उस स्थिति पर हैं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस जिस इक्विपमेंट की जरूरत होती है, चाहे वो PPE किट हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे ट्रिपल लेयर मास्क हो, चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, वेंटिलेटर्स हों, टेस्टिंग लैब्स हों, आज हमने सबकी व्यवस्था की है, और हम आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं
कि हम इसमें सफल होंगे। हमारी स्ट्रिक्ट विजिल और मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि अगर तबलीगियों की संख्या ना आती तो हमने बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण किया था। हमने जो विदेशों से आए थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो 15,000 के करीब क्वारंटाइन किए गए थे, उनको हमने अच्छी तरह से क्वारंटाइन किया और इस बीमारी को फैलने नहीं दिया। आज हमारे हरियाणा में 134 एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं और इसमें से 106 तबलीगी जमात के हैं। और अगर हम 106 तबलीगी जमात के 134 में से कम करें तो 28 मरीज हरियाणा के बनते हैं। हमने एक और फैसला किया है कि जितने भी कोविड के पेशेंट होंगे, हमने 14 कोविड हॉस्पिटल प्रदेश में सेटअप किए हैं, जहां व्यवस्था की है कि एक भी जो कोविड का मरीज है वो आम मरीजों के साथ हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो कोरोना प्लस का मरीज है उसको कोविड हॉस्पिटल में ही उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कोविड हॉस्पिटल का कंसेप्ट ये है कि उसमें कोई भी दूसरा मरीज नहीं जाएगा ताकि बीमारी स्प्रेड ना हो। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बारे में चिंता कर रहे हैं और रोजाना कोई एक भी दिन नहीं होता जिस दिन किसी ना किसी विभाग की या अधिकारियों की या डॉक्टर्स के साथ वीसी नहीं होती है, मीटिंगें नहीं होती हैं। और अगर हम डॉक्टर्स की भी कहें तो मैं समझता हूँ आज ये दूसरी वीसी है, एक वीसी हम पहले कर चुके हैं। और रोजाना हमारे अधिकारी भी हमारे सब डॉक्टर्स के साथ रोजाना अपना रेगुलर तालमेल बनाए हुए हैं और जिस यूनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, हम दावे के साथ इस लड़ाई को जीतेंगे। आगे और भी, अभी अरोड़ा जी ने आपको बताया कि हमने कुछ रैंडम सैंपलिंग करनी है, हम वो रैंडम सैंपलिंग करेंगे, हर जिले में करेंगे ताकि हमारे पास सही सही रिपोर्ट आ सके और आगे के जो फैसले लिए जाने हैं हम उनको ले सकें। धन्यवाद। मित्रों, जैसे मैंने पहले बताया कि हर दिन किसी एक विषय पर हम चर्चा करते हैं, आज अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, मेडिकल एजुकेशन के लोग, आप सबसे जो बातचीत हो रही है, मैं तो इतना कहूँगा कि इस सारे विषय में यदि सबसे ज़्यादा कोई भूमिका किसी विभाग की बन रही है तो आप लोगों की बन रही है, क्योंकि ये जो महामारी है पूरे विश्व की महामारी है। हमारा दायित्व तो अपने प्रदेश का, जैसा हम संभाल रहे हैं, वैसे तो जीवन मृत्यु ये भगवान के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड जिसको कहना चाहिए, भगवान के बाद अगर किसी की बारी आती तो डॉक्टर की आती है। और डॉक्टर एक सेनापति के नाते से इस युद्ध में लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध से भी बड़ा ये संकट है। हम सेनापति हैं,
हमारे साथ कितने ही और लोग, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग होंगे, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स मेडिकल्स है, क्लास फोर का है, टेस्टिंग लैब्स हैं, या एम्बुलेंस के जो लोग हैं, जिस किसी का भी कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ संबंध संपर्क आने की संभावना होती है, सब लोग अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार की परवाह किए बिना पूरे देश और समाज की जिसको चिंता है, समाज को हमने परिवार माना है, हम उस काम को कर रहे हैं। डॉक्टर जब वो डिग्री अपनी प्राप्त करता है, उस समय डॉक्टर को एक हिप्पोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है। वर्षों से ये क्रम चलता है और उस ओथ में हमको ये सब बातें बताई जाती हैं कि जो पेशेंट है, उस पेशेंट की इलाज के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी सीमा तक जाने की हमारी मनस्थिति ये हमको करनी होती है। जब व्यक्ति सामने पेशेंट है तो हम किसी प्रकार की ये परवाह नहीं करते कि वो किस मरीज का, किस मर्ज का मरीज है, कौन सी बीमारी उसको है, और कोई भेदभाव नहीं करते किसी प्रकार का। मरीज है तो मरीज है, उसको ठीक करना ये मेरा धर्म है, इस प्रकार से हम चलते हैं। हम भले डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मन में तो एक विचार हमेशा रहता ही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये प्रार्थना भगवान से हमेशा करते हैं। उसमें आप हमारे सहभागी हैं, सब मिलकर के हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत प्रकार की कठिनाइयां भी आ रही होंगी, बहुत प्रकार का दबाव भी बना हुआ होगा, परिवार के लोगों का भी दबाव होगा, साथी लोगों का भी दबाव होगा, किसी प्रकार का कभी कोई खतरा भी बताता होगा, कोई भय भी पैदा करता होगा, लेकिन उत्साह और जोश ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपने डर को ख़त्म करती हैं। फैलाने में डर भी वैसे ही फैलता है, जोश भी वैसे ही फैलता है, तो हमको कहीं डर नहीं फैलाना है, हमको जोश फैलाना है। तो उस जोश के साथ हम ये सब काम करते रहें, हम एक टीम के रूप में ये सारा काम कर रहे हैं, न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, बल्कि चाहे वो पुलिस का विभाग हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायती राज सिस्टम हो, फूड एंड सप्लाई सिस्टम हो, कई हमारे विभाग वो सब काम कर रहे हैं। हम सब इन विभागों से ऊपर उठ करके एक संकट ऐसा है, मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ना है। किसी भी हमारे किसी अधिकारी को, किसी डॉक्टर को, किसी पैरामेडिकल को, या किसी और विभाग के भी किसी व्यक्ति को, अपने विभाग को महत्व ना देते हुए अपना जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए सब मिल करके करेंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे ये डिपार्टमेंट सरकार के ये तो सब काम कर ही रहे हैं, जनता में भी बहुत उत्साह है इस लड़ाई से लड़ने का, वो भी हर दृष्टि से सहयोग कर रहे हैं। हमारी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रुप हैं, कल मेरी धार्मिक लीडर्स जो थे उनसे बातचीत हुई, सब लोग एक मत हैं कि इसको हमें अपने भेदभाव को मिटा करके और इस लड़ाई को हमने लड़ना है। वॉलंटियर्स हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स नाते से आगे आए हैं, तो इस सारे कठिनाई को देखते हुए हम सब मिलकर के काम करेंगे। एक विषय डॉक्टर सोनिया जो बता रही थी कि आखिर इंश्योरेंस की बात हो रही है, अब इंश्योरेंस का विषय हमारे जाने के बाद इंश्योरेंस हो ना हो, हमको उसका क्या उपयोग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी चिंता करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो परिवार की चिंता करते होंगे कि इंश्योरेंस के कारण से हमारे बाद हमारे परिवार की चिंता हो जाएगी। हम लोग सबकी चिंता करेंगे, अपनी भी चिंता, परिवार की भी चिंता और पूरे समाज की भी चिंता, सब चिंता हमको करनी है। आज हम लोगों ने विचार किया है कि हमारा जो कोरोना से इस इलाज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लास फोर का स्टाफ है, एम्बुलेंस का स्टाफ है, या टेस्टिंग लैब का स्टाफ है, एक घोषणा अभी हम बैठे बैठे विचार करके फाइनल फैसला किया है हमारे होम मिनिस्टर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ, कि जब तक ये कोरोना इसका पीरियड चलेगा, तब तक ये सारा स्टाफ जो सीधा सीधा कोरोना के पीड़ित मरीजों की कोविड की एक इलाज में लगे हैं या उनके संभालने में लगे हैं, इनकी सैलरी अब डबल रहेगी, ताकि हमारे अपने समय भी इस बात का हमको एक संतोष हो सके कि हमारी सैलरी डबल होगी। एक्स ग्रेशिया के नाते जो बातें पहले बताई गई हैं उनको मैं फिर दोहरा देता हूँ
कि जो लोग केंद्र की स्कीम 50 लाख रुपए की है उसमें नहीं आएंगे, ऐसे सब लोगों को भी हम अपनी स्कीम में कवर करेंगे। डॉक्टर्स के लिए 50 लाख, नर्सेज के लिए 30 लाख, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 20 लाख, क्लास 4 के लिए 10 लाख। तो इस प्रकार से हमने उस एक्सग्रेशिया को, वैसे तो मुझे लगता है कि सारा स्टाफ केंद्र की स्कीम में आएगा ही, फिर भी कोई अगर उसमें बंधन होगा या कोई इस प्रकार की कोई ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसमें वो नहीं आता है, तो हम प्रदेश की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। मैं इस विश्वास से कि हम सब लोग एक उत्साह के साथ एक टीम के रूप में इस कोरोना को हरियाणा से हराएंगे, भारत से भगाएंगे, यही हमारा एक लोगो होना चाहिए, यही हमारा नारा होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग लगे रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।